नमस्कार दोस्तों दोस्तों चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ज़्यादातर कमेंट मुझे मिल रहे हैं कि मेरा दिल्ली पुलिस में अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है अच्छा स्कोर हो रहा है, लेकिन मुझ पर दौड़ नहीं हो रही है। और आपको एक बात और बता दूँ, दौड़ थोड़ी दोस्तों इसकी डिफिकल्ट है, थोड़ी खटीन है दौड़, ठीक है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल थोड़ा खटीन है औरों के मुकाबले, आपको बता देता हूँ। यदि आपने नहीं भी पता है आपको कैसा फिजिकल है सबके बारे में बताऊँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। कोई भी डाउट हो तो जो भी आपके डाउट है ना फिजिकल से संबंधित, वो डाउट को मैं आज क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। बात करूंगा आज दोस्तों दिल्ली पुलिस के फिजिकल की, रनिंग की, हाइट की, चेस्ट की, ऊंची कूद, लंबी कूद, सबके बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे ज्यादा कमेंट मिल रहा है कि दौड़ नहीं हो रही मुझ पर, ठीक है। मैं दौड़ करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझ पर दौड़ नहीं हो रही, तो सबसे बड़ी बात तो ये बता दो आपको, अभी आपके पास समय है, ठीक है। मार्च में आपका रिजल्ट आने वाला है, अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आपके पास अभी समय है, आप आराम से दौड़ कर दोगे, ठीक है। ऐसे बोलते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत। यदि आपके मन के अंदर है ना कि मैं दौड़ क्लियर कर दूंगा तो आप दौड़ क्लियर कर दोगे, और यदि आपके मन के अंदर है ना कि मुझ पर दौड़ नहीं होगी तो आप पे दौड़ नहीं होगी। दूसरी बात बता दूं, यदि आपको ऐसे लोग बहकाते हैं कि तेरा फिजिकल का कॉल नहीं आएगा, तेरा फिजिकल नहीं होगा, तेरा शरीर ही खाए दौड़ करने लायक, तो ऐसे लोगों से दोस्तों आपको दूर रहना है, ठीक है। कोई भी आपके आसपास हो आपको ऐसा बोलता है उससे आपको दूर रहना है, ठीक है, नहीं तो आप रह जाओगे। पहले बता रहा हूं मैं, फिजिकल के अंदर रह जाओगे, वो आपको फेल करा देगा। ऐसे लोगों से दूर रहना है। और जब आप रनिंग करो तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ आपको रनिंग करनी है, कोई कुछ भी बोले किसी को ऊपर ध्यान नहीं देना। जब आप रनिंग करोगे ना तो आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, आपसे बोलेगी जब आप एक डेढ़, मतलब कि आप जब तीन चार दो तीन राउंड मार दोगे दोस्तों, जब आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी आपसे बोलेगी कि रुक जा, आपको रुकना नहीं है। यदि आप रुक गए तो यूं मान लो रुक गए, रुकना नहीं है आपको, 1600 मीटर मारनी है, कोई कुछ भी कहे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है मुझ पे दौड़ नहीं हो रही, तो आपको बता दूं जिन लोगों पे दौड़ नहीं हो रही जो चार पांच साल में पहली बार दौड़ कर रहे हैं, और यदि आप आज से दौड़ करोगे ना अभी निकी तो फिजिकल के टाइम तक आप दौड़ मार दोगे, गारंटी के साथ करो आप दौड़ कर दोगे कंप्लीट। इसलिए दौड़ शुरू भी नहीं किया और अच्छे नंबर भी आ रहे हैं ना, दौड़ शुरू कर दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल थोड़ा कठिन है। 12 गुना लोगों को फिजिकल के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, आपके अंदर थोड़ा सा सोचा भी होगा कि इतने लोगों को फिजिकल के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, 5 गुने को बुला लेते, 12 गुना क्यों बुला रहे हैं। वो इसलिए बुला रहे हैं, ज्यादातर बच्चों पे दौड़ ही नहीं होती, दिल्ली पुलिस की दौड़ ही नहीं होती, ज्यादातर बच्चे दौड़ में फेल हो जाते हैं, क्यों, थोड़ा फिजिकल थोड़ा कठिन है, थोड़ा डिफिकल्ट है फिजिकल, लोगों पर दौड़ ही नहीं होती है, बाहर हो जाते हैं, बच्चों की हाइट ही नहीं 170 सेंटीमीटर, इसलिए वो 12 गुना लोगों को बुला रहे हैं। मतलब कि जो भी वैकेंसी के 12 गुना, मतलब 70,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे और ज्यादातर बच्चे फिजिकल फेल हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, जो बच्चा फिजिकल बैठेगा ना वो लास्ट मेरिट तक भी पहुंच सकता है, याद रखना। और अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, यदि आपके थोड़े बहुत कम नंबर भी आ रहे हैं ना तो घबराओ मत, दौड़ जारी रखो, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल मत घबराओ। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी दोस्तों फिजिकल के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्दी जल्दी उसको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। बात कर लेता हूँ मैं दौड़ के इसके अंदर फिजिकल कैसे होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे आपको मैं बात बताऊँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। मैं बात कर लेता हूँ दौड़ की, तो दोस्तों इसमें जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दौड़ होगी पुरुष की बता रहा हूँ पहले, तो मैं तो 1600 मीटर आपकी दौड़ होगी पुरुष की 6 मिनट में। आपको समय कितना दिया जाएगा, 6 मिनट दी जाएंगी। अब बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे हैं क्या 6 मिनट से पहले ही कर देंगे, तो आपको बता दूं आपको पूरा समय दिया जाएगा, 6 मिनट पूरी दी जाएंगी। यदि आप दौड़ करो चाहे उसे मत करो उनको मतलब नहीं, उनको आपको 6 मिनट दी जाएगी, ठीक है। तो 6 मिनट तो पुरुषों को दी जाएगी, और बात कर लेता हूँ महिलाओं को, फीमेल को, तो 1600 मीटर महिलाओं की दौड़ होगी लेकिन इनको 8 मिनट दी जाएगी, पुरुषों से 2 मिनट फालतू दी जाएगी किनको, महिलाओं को, फीमेल को, याद रखना। कितनी दौड़ होगी, 1600 मीटर दौड़ होगी पुरुषों की होगी 6 मिनट में, महिलाओं की होगी 8 मिनट में। थोड़ा डिफिकल्ट है फिजिकल, वापिस से एक बार सुन लो, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए रनिंग आज से स्टार्ट कर दो। आगे चलता हूं मैं हाइट के ऊपर, हाइट कितनी रहने वाली है, मैं बात कर रहा हूं जनरल की, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। आप यदि एसटी और कोई दूसरे वर्ग में आते हो तो उनके हिसाब से आप नोटिफिकेशन में जाके फड़ लेना, उसके हिसाब से छूट दे रखी है तो आपको छूट भी मिलेगी।
मैं बात कर रहा हूँ जनरल और ओबीसी की हाइट की बात कर लेता हूँ। यदि पुरुष है आप तो 170 सेंटीमीटर चाहिए, यदि 170 से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। पहले बता रहा हूँ 170 सेंटीमीटर चाहिए पुरुष की। महिला की बात करें तो 157 सेंटीमीटर चाहिए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जनरल और ओबीसी की। यदि आप और कोई कास्ट से आते हो और आपको छूट मिली हो तो नोटिफिकेशन में जाके पढ़ लेना कि आपको कितनी छूट मिली है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जनरल और ओबीसी की। इसमें जनरल और ओबीसी 170 तो सेंटीमीटर तो पुरुषों की और महिलाओं की है 157 सेंटीमीटर। आगे चलता हूं मैं लंबी कूद। लंबी कूद और ऊंची कूद के ऊपर बात कर लेता हूं। तो लंबी कूद होगी पुरुषों की तो होगी 14 फीट, ठीक है। लंबी कूद पुरुषों को करनी होगी 14 फीट, मेल को करनी है 14 फीट, जबकि महिला को करनी है सिर्फ और सिर्फ 10 फीट। याद रखना महिला को करनी है, फीमेल को 10 फीट। आगे बात कर लेता हूं ऊंची कूद। ऊंची कूद में पुरुषों की होगी 3 फीट और 9 इंच। कितनी? 3 फीट 9 इंच तो होगी पुरुषों की यानी फीमेल की। और महिला की जो ऊंची कूद होगी वो होगी 3 फुट। याद रखना कितनी होगी? 3 फीट होगी महिला की, पुरुष की होगी 3 फीट और 9 इंच। तो आप एक बार देख लो यह आपका दोस्तों फिजिकल होने वाला है। अब आपका मैं जो टॉपिक है उसके ऊपर चलता हूँ। रनिंग नहीं हो रही तो आप यदि बहुत दिन बाद रनिंग कर रहे हो तो आपके पैर भी दर्द करेंगे, आपके यहाँ से हाथ भी दर्द करेंगे, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये सिर्फ 15 से 20 दिन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने करेंगे, इसके बाद दर्द करना बंद हो जाएगा। यदि अभी दौड़ करते हो तो जब बंद हो जाएगा तब तक आपका फिजिकल होगा ना, तब तक आप आराम से दौड़ मार जाओगे। और यदि आपने सोच लिया कि रिजल्ट आने के बाद मैं दौड़ करूँगा तो आप पे दौड़ नहीं होगी, आप फिजिकल में दौड़ के अंदर बाहर हो जाओगे। यदि आपके अंदर जुनून है और आप वर्दी लेना चाहते हो तो मेरे कहने से आज से ही दौड़ कर दो, किसी के बहकावे मत आना है। अब बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं दौड़ हो ही नहीं रही। होगी, कैसे नहीं होगी, दौड़ होगी, रोजाना दौड़ करो, आपके पास बहुत समय है। यदि महिला हो तो महिला को बता दूं मैं, उनके पास भी बहुत समय है। पुरुष हो आप तो पुरुषों को बता दो आपके पास बहुत समय, आप पे दौड़ होगी। अभी कम से कम मार्च में रिजल्ट आने वाला है और जब आपका रिजल्ट आएगा उसके भी 15 से 20 दिन बाद में फिजिकल चल होगा, आज ही फिजिकल नहीं हो रहा आपका, इसलिए आज से दौड़ कर दो। यदि आपने दौड़ भी स्टार्ट नहीं कर दिया किसी के भी बहकावे मत आओ, सिर्फ आपको आपका जो लक्ष्य है ना उसकी तरफ ध्यान दो। और ऐसे बोलते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत। यदि आपने मन के अंदर सोच लिया ना कि मैं रनिंग करूँगा तो आप आराम से कर जाओगे, और यदि आपने सोच लिया मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा तो ग्राउंड में आप पे रनिंग नहीं होगी, तो किसी के बहकावे में नहीं मत आना दोस्तों। यदि आपके नंबर कम भी बढ़ रहे हैं ना, थोड़े बहुत भी कम बढ़ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर हो जाएंगे आपके, तो रनिंग स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिजिकल में बाहर हो जाओगे। अब बहुत बंद ऐसे बोलेंगे हम पे रनिंग हो ही नहीं रही। जिन बच्चों ने पहली बार रनिंग करी है उसके हाथ पैर दुखेंगे, उनको क्या करना है, सुबह उठ के दौड़ लगानी है, ठीक है, सुबह उठ के दौड़ लगानी है। उसके बाद दूध और केला लेना है, ठीक है, क्या लेना है, दूध और केला। याद रखना जिसके हाथ पैर में दर्द है उनके बता रहा हूँ, उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो उनको दूध और केला लेने होंगे। ऐसे ही महिलाओं को भी जब आप रनिंग करके आओ, रनिंग करके जब आओ वापस तो रनिंग के बाद में दूध और केले आप ले लेने हैं आपको। जिन बच्चों की, मैं लड़कों की बता रहा हूँ, मेल की जिनकी छाती नहीं है दोस्तों, चेस्ट नहीं है, तो उनको भी रोजीना पुशअप मारनी है, डिप्स मारनी है, रोजीना की रोजीना 15 से 20 तो रोजीना मारनी है, तो आपकी धीरे धीरे छाती भी हो जाएगी, आपकी चेस्ट भी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बात है हाइट की, 170 सेंटीमीटर तो आपकी होगी, जिसलिए आपने अप्लाई किया था तो आपकी होगी 170 सेंटीमीटर। मैं बात कर ले तो लंबी कूद की, तो अभी से ही आराम से हो जाएगी 14 फीट। यदि अभी से ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपकी हो जाएगी। और महिलाओं को चाहिए 10 फीट ऊंची कूद, पुरुषों को चाहिए 3 फीट 9 इंच और महिलाओं को चाहिए 3 फुट। यदि अभी से आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और यदि आपने अभी से नहीं कही, और बहुत लोग ये बोलेंगे कि हम फिजिकल जब रिजल्ट आएगा तब दौड़ करेंगे, उन लोगों पर दौड़ नहीं होगी। पहले बता रहा हूँ जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं ना कि रिजल्ट आने के बाद मैं दौड़ शुरू कर दूंगा, वो बच्चा रह जाएगा दौड़ के अंदर, इसलिए कह रहा हूँ रनिंग आज से स्टार्ट कर दो। किसी के बहकावे में मत आओ, कुछ भी नहीं होने वाला, रनिंग स्टार्ट कर दो यदि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हम पे रनिंग नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ढीका नहीं होगा, तो अभी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, अभी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। यदि आपके कठिन शिफ्ट होगी तो आपके नंबर बढ़ेंगे, यदि आपके दोस्तों सरल होगी तो आपके 1-2 नंबर कट भी सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, इसको कोई समझ नहीं सकता, वो इस SSC समझ सकती है, इसलिए बता रहा हूँ। यदि 1-2 नंबर कम भी है ना तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। और यदि आपके अंदर डाउट है कि मैं रनिंग करूँ या नहीं करूँ, मेरे नंबर तो बने नहीं हैं, तो मेरे चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके मैंने कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाके
देखो उसके आसपास नंबर भी बन रहे हैं तो भी रनिंग स्टार्ट कर दो आज से मेरे कहने से, नहीं तो रह जाओगे रनिंग के अंदर। थोड़ी हार्ड है, सिर्फ और सिर्फ 1600 मीटर 6 मिनट में करनी है मेल को। फीमेल की बात कर लेता हूँ 8 मिनट में। बहुत लोग ये बोलेंगे ऐसे भर्राटेदार कर दूंगा, लेकिन वो बच्चे करेंगे जो रोजीना दौड़ मारते हैं, जो साल में पहली बार मार रहा है उस पर दौड़ नहीं होगी। और यदि आपको वर्दी पहननी है, आपके अंदर जुनून है वर्दी लेने का, तो आज से दौड़ स्टार्ट कर दो, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 70,000 को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 70,000 कम नहीं होते हैं, मतलब कि 47,000 के समथिंग तो मेल को और 23,000 के समथिंग फीमेल को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ दौड़ स्टार्ट कर दो। बहुत बच्चों के जो अच्छे नंबर आ रहे हैं ना उनकी बता रहा हूँ, बहुत लोग घबरा रहे होंगे कमेंट देखकर। एक कमेंट में कोई तो 95 लिख रहा है, कोई 90 लिख रहा है, कोई 85 लिख रहा है, वो बच्चे सब गलत लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिनके आ भी रही होंगे ना 80 से ज़्यादा प्लस नंबर, वो बच्चे वो हैं जो फड़ने वाले, उन पर दौड़ नहीं होती। इतिहास गवाह है, इतिहास इस बात को कहता है जो बच्चा फड़ने में होशियार होता है उसका जो फिजिकल है ना वो वीक होता है, वो बच्चे दौड़ नहीं कर सकेंगे। वो फार्म तो भर देते हैं, उनके अच्छे नंबर भी आते हैं, 80-85 नंबर भी आते हैं बहुत बच्चों के, लेकिन उन पर दौड़ तो होती नहीं है, वो दौड़ में बाहर हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ यदि आपके थोड़े बहुत कम भी नंबर है ना तो भी आपको रनिंग मारनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी के कहने में बहकावे मत आओ, आप तो आज से रनिंग स्टार्ट कर दो, आपको आपको दौड़ की आज से स्टार्ट कर दो मेरे कहने से। यदि आपके अंदर जुनून है वर्दी लेने का तो पक्का आपको वर्दी मिल जाएगी। और एक बात और बता दूं, बहुत लोग ये बोलेंगे कि मेरा फिजिकल में नहीं होगा, दौड़ करके क्या करूँगा, तो आपकी दौड़ कहीं कहीं काम आ जाएगी। आगे SSC GD की वैकेंसी भी आने वाली है, आपको पता लग गया होगा मार्च के महीने में SSC GD 2021 में वैकेंसी आ रही है, लगभग 60,000 के समथिंग उसमें पद होंगे, आपकी दौड़ काम आ जाएगी। आना तो है, बहुत वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप ये भी मत सोचो कि यदि मैं दौड़ कर लूँगा और मेरा फिजिकल का कॉल नहीं आया, तो फिजिकल का कॉल भी नहीं आएगा तो आपकी दौड़ कहीं कहीं काम आ जाएगी, या नहीं तो SSC GD में काम आ जाएगी, और बहुत वैकेंसी है उनमें काम आ जाएगी। दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल है, बहुत वैकेंसी है उनके अंदर, आपकी दौड़ काम आ जाएगी। इसलिए आप घबराओ मत, अपनी दौड़ जारी रखो, किसी के बहकावे मत आओ। जो बच्चे आपसे ऐसे बोलते हैं ना तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा शरीर नहीं है फौज में जाने लायक, तेरी चेस्ट नहीं है, तेरी हाइट नहीं है, फलाना नहीं है, जो भी बोलते हैं उनसे दूर रहो, ऐसे बंदों से दूर रहो और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दो, उनसे कोई मतलब मत रखो। सिर्फ आपको आपका लक्ष्य मिलना चाहिए, किसी के बहकावे में मत आओ। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को आपने जो भी दोस्तों उनके साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।